Hey guys, welcome back to the vlog. मुझे पता है मैंने बहुत दिन से वीडियोस पोस्ट नहीं किया है बिकॉज़ मैं थोड़ा बिजी हो गया था. मैंने अब डिसाइड कर लिया कि अब मैं अच्छे से रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूंगा. इनफैक्ट मैं अभी यहां पे आया हूं नॉर्थ ईस्ट के लिए. मैं हूं फैमिली के साथ. ओके, सो बेसिकली सीन ऐसा है कि हम लोग 7 दिन की ट्रिप पे गए थे एंड इन 7 दिनों में हम लोगों ने 4 जगह कवर किया, गैंगटॉक, पेलिंग, दार्जिलिंग एंड कैलिमपोंग. इन 7 दिनों में मैंने हर दिन के लिए एक एक व्लॉग शूट किया है. जैसे कि ये Day-01 का व्लॉग है, ऐसे और 6 व्लॉग्स आने वाले हैं. होपफुली हर वीकेंड पे एक एक आएगा क्योंकि मुझे बस वीकेंड पे ही टाइम मिलता है एडिट करके अपलोड करने को. एंड ट्रस्ट मी, इसे एडिट करने में बहुत टाइम जाता है यार और बहुत मेहनत लगती है. सो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. एंड अब लाइक कर ही रहे हो तो अब सब्सक्राइब भी कर देना. पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं यार, मतलब किसी का भला कर रहे हो तुम. तो ये जो जगह हम लोग जहाँ पे भी गए थे, यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे हम लोग गए थे, वो आगे के ब्लॉग्स में आप लोगों को पता चलता रहेगा. एंड ट्रस्ट मी, यू वोंट गेट डिसअपॉइंटेड. जैसे जैसे वीडियोस अपलोड हों आप देखते रहना, आपको बहुत मजा आने वाला है. एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना कैसा लग रहा है आप लोगों को. एंड अगर आप लोगों को कोई भी चेंजेस चाहिए एडिटिंग वाइज या फिर कुछ भी चेंजेस चाहिए, मतलब मुझे कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बेफिक्र बताना, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा. एंड फिलहाल आप लोग यही ब्लॉग देखो. बाय बाय. कुछ ब्लॉग बनाता हूँ आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. सो लेट्स गो. कितना टाइम भैया लगेगा हम लोग यहाँ से अभी पहुँचने में? यहाँ से 5 घंटा तो लगेगा, लेकिन रास्ता थोड़ा खराब है. इधर ये बंगाल का जितना रोड है ना, हाँ हाँ, अभी खराब है और एक जगह ये ट्रक गिरा है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके वजह से थोड़ा जाम होता है ना, इसलिए जल्दी चलने के लिए बोल रहा हूँ. Okay. हम लोगों को भी जल्दी पहुँचेंगे तो अच्छा लगेगा ना. सही सही. ऑलराइट, सो बेसिकली मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों को बताने ही भूल गया कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ. सो मैं बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं गैंगटॉक जहाँ पे हमारा होटल है. तो हम लोग रास्ते में ऐसी कुछ कुछ जगह पे जाने वाले हैं, कंचनजंगा व्यू पॉइंट वहाँ जाने वाले हैं और ऐसे कुछ कुछ बीच में वैसे कुछ कुछ वाटरफॉल्स वगैरह छोटे 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 हैं तो वहाँ पर जाने वाले हैं. एंड अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर खाने के लिए आए हैं एंड व्यू बहुत ही सुंदर है, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. और सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो हम लोग जितने दिन भी अभी ट्रैवल कर रहे थे, मतलब हम लोग परसों से निकले हुए हैं और हर दिन बारिश हो रही थी. इनफैक्ट अभी भी हो रही है बट धूप है और हल्की हल्की बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है. और ये व्यू देखो, दिस व्यू इज़ सुपर. चलो अब खाने चलते हैं. फिलहाल खाना कंप्लीटेड, लेट्स हेड बैक टू गैंगटॉक. वी हैव बीन स्टक इन ट्रैफिक फॉर अबाउट 50 मिनट्स नाउ. One eternity later. So finally after 6 hours we are here. तो हम लोग अपने रूम की ओर बढ़ रहे हैं. वाओ, दिस इज नाइस. ओके ओके, दैट्स द रेस्टोरेंट एंड we are going in.
थैंक यू सो मच। हम लोग कर लेंगे वो, थैंक यू सो मच। सो ये हमारा रूम है, प्रिटी गुड। सबसे उम्दा कलाकारों के साथ ये सर्विस पहले 10 दिन के लिए बिल्कुल। ऑल राइट, तो हम लोग अपने होटल रूम में आ चुके हैं एंड ये है हमारा रूम। यहाँ पर 3 बेड इसलिए हैं क्योंकि हम लोग 6 लोग हैं और 2 रूम हमने बुक किया है, सो इसलिए एक्स्ट्रा बेड। एंड द व्यू फ्रॉम दिस बालकनी इज अमेजिंग। आई डोंट नो आप लोगों को गोप्रो में अच्छे से दिखेगा या नहीं, मैं कल सुबह नहीं तो आप लोगों को दिखाऊंगा, इनफैक्ट अभी भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज आवर बालकनी, अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं कल सुबह आपको दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो आज का दिन ख़त्म हो चुका है और हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं। यही हमारा आज का पूरा दिन था। इनफैक्ट हमारे पास, हमने सोचा था कि अगर हम जल्दी होटल पहुंच जाएंगे तो हम लोग यहाँ पास में रोपवे है वहाँ जाएंगे, या फिर पास में एक मार्केट है तो हम लोग वहाँ जाएंगे, बट ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि हमें बहुत लेट लगी। हमें इनफैक्ट बागडोगरा एयरपोर्ट से यहाँ आने में हमें 6.5 आवर्स के अराउंड लगा, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब हमारा प्लान ये है कि हम लोग बहुत थक चुके हैं तो हम लोग डिनर करके बस सोने वाले हैं एंड कल सुबह हमें 8 बजे वापस से निकलना है चंगू लेक के लिए और हरभजन सिंह मंदिर के लिए। अभी एक्चुअली वहाँ का पूरा श्योर नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ परमिट का थोड़ा इशू चल रहा है, तो अगर वो परमिट मिल जाता है तो हम लोग वहाँ चले जाएंगे, वरना फिर हमें कहीं और जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।